सोनिक आई फेस पेंट अपने गेम के अंदर रिटर्न आने वाले है और साथ में रिटर्न आने वाला है अपना डॉक्टर सैनिटी बंडल है। यही नहीं गाइस, आप सभी का इंतजार खत्म हुआ क्योंकि अपने गेम के अंदर आ रहा है एक मस्त सा लेजेस मोर टॉप अप इवेंट। नेक्स्ट रिटर्न ईवो बंडल को लेकर आपको एक काफी खतरनाक अपडेट मिलने वाली है और अपडेट मिलने वाली है आपको एक मस्त सी वेपन रोल के बारे में। अपने गोल्ड को सेव करके रख लीजिए क्योंकि आ रहा है गेम के अंदर स्पेशल गोल्ड रोल। और गाइस अपने नेक्स्ट लकी व्हील इवेंट के बारे में मैं आपको फुल डिटेल में अपडेट देने वाला हूँ। हाँ तो गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप कि तुम लोग अच्छे होगे और यार आगे भी अच्छे ही रहना। सबसे पहले गाइस अपन लोग बात कर लेते हैं आज के मध्य रात्रि अपडेट के बारे में। तो भाई कल अपने गेम के अंदर आएगा एक फिडल व्हील इवेंट जिसका ऑफिशियली पोस्टर आप लोग देख रहे हो। इस फिडल व्हील इवेंट का गाइस एक मेन रिवॉर्ड रहेगा एक झाड़ू वाला इमोट, जो की आप लोग देखो भाई झाड़ू वाला इमोट कहते बवाल टाइप का है। ठीक है गाइस, अगर आपको भाई एनिमी को ट्रोल करना है तो इसका आप लोग यूज कर सकते हो। फिडल व्हील के अंदर गाइस एक ग्रैंड प्राइज रहेगा यही इमोटल, लेकिन मे भी पॉसिबल है कि आपको कोई और भी नॉर्मल सा रिवॉर्ड इसके साथ में देखने को मिल जाए। बाकी गाइस फिडल व्हील कल सुबह 4 बजे अपने गेम में आ जाएगा। आपको गाइस पता होगा ठीक है भाई, बंडल का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन बनाने के लिए भाई उसका जो फेस पेंट वगैरह होता है वो काफी मैटर करता है। अब तक गाइस हमें काफी सारे इवेंट के अंदर से फ्री में फेस पेंट क्लेम करने को मिले, ठीक है, जो की नॉर्मल सी होती है, लेकिन आपको पता होगा एक फेस पेंट है जो की काफी बढ़िया है और वही अपने सोनिक फेस पेंट। आप में से गाइस काफी सारे सोनिक आई फेस पेंट आने का वेट कर रहे हैं क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है ये फेस पेंट काफी बढ़िया है। जहाँ तक गाइस मुझे पता है कि जो सोनिक आई फेस पेंट है ये अपने को इवेंट के अंदर से फ्री क्लेम करने को मिली थी, लेकिन भाई कौन सा इवेंट है गाइस वो मैं भूल चुका हूँ। जो अच्छे रिवॉर्ड होते हैं वो एक बार फ्री में मिलने के बाद वापस कभी नहीं मिलते। अब भाई गरना इनका जो इवेंट वगैरह होता है वो डायमंड के अंदर गरना लाके देता है। तो इसी तरह गाइस सोनिक आई फेस पेंट जो है अपने स्टोर के अंदर अवेलेबल कर दी जाएगी और इसके साथ में गाइस हो सकता है कि आपको और भी काफी सारी और फेस पेंट भी देखने को मिल जाए। 44 अपडेट के बाद अपना स्टोर अपडेट हो चुका है, लेकिन अब गैस अपना स्टोर अपडेट होगा ओबी 45 अपडेट के बाद। तो जब अपना स्टोर अपडेट होगा तब गैस अपने गेम के अंदर ये सारी फेस पेंट ऐड कर दी जाएगी और तभी गैस अपने सोनिक आई फेस पेंट वगैरह है वो भी अपने स्टोर के अंदर अवेलेबल कर दी जाएगी। बाकी गैस इसके बारे में काफी सारे लोग क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे थे तो मैंने आपको बता दिया। यू तो गैस अपने गेम के अंदर काफी सारे खतरनाक जो बंडल्स वगैरह होते हैं उनके इवेंट वगैरह अपने गेम के अंदर आते रहते हैं, ठीक है भाई, जिनमें से बहुत ही कम ऐसे रिवॉर्ड होते हैं जो की निकालने लायक होते हैं। डॉक्टर सैनिटी बंडल जो कि आपको पता होगा ये एक ओल्ड बंडल है और आज भी काफी सारे ओल्ड प्लेयर इन बंडल का यूज करते हैं क्योंकि गाइस इस बंडल का फेस पेंट इसका मास्क वगैरह के टॉप वगैरह काफी मस्त है। अब ये जो गाइस अपना डॉक्टर सैनिटी बंडल है इसका भी इवेंट अपने गेम के अंदर आने वाला है और इवेंट रहेगा एक रिंग इवेंट और इसके साथ में गाइस आपको ओल्ड भी काफी सारे रेड बंडल देखने को मिलेंगे। और अगर बात करें इवेंट की तो गाइस ये आपको रिंग इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा और यहाँ पे गाइस आपके 4 से लेकर 8000 डायमंड तक लग सकते हैं। कन्फर्म डायमंड कितने लगेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इस बंडल के साथ में और कौन कौन से रिवॉर्ड्स वगैरह आते हैं। अब कहा ये जा रहा है कि जो गाइस अपना बंडल है ये अपना जून महीना एंड होते होते इसका इवेंट वगैरह भी अपने गेम के अंदर आ जाएगा। बाकी इवेंट को लेकर कुछ इस तरह के अपडेट निकल के आई थी मैंने आपको बता दिया। देखो गाइस अपना पूरा फ्री फायर ठीक है भाई बंडल गन स्किन के ऊपर चलता है, ठीक है, क्योंकि भाई गेम प्ले भी कुछ मैटर करता है, लेकिन इस तरह मैटर अगर कोई करता है तो गन स्किन, अगर एट्रीब्यूट अच्छे तो चैनल में मजा आएगा। नया थ्रोन बंडल जो की आपको पता होगा अपडेट के बाद अपने गेम के अंदर एड हुआ है, ठीक है। अब ये जो थ्रोन बंडल है इसके थीम पे एक गन स्किन है M60 की और ये वाली गन स्किन गाइस काफी सारे रोल के अंदर वेपन रोल के अंदर दिया गया है। अभी गाइस अपडेट ये है कि जो अपना नया थ्रोन बंडल है वो रिंग इवेंट के अंदर आने वाला है, ठीक है। तो गाइस उस रिंग इवेंट के अंदर ये M60 की गन स्किन आ जाती है तो गाइस अपने को वेपन रोल के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन गाइस अपनी जो M60 की गन स्किन है, ठीक है, नया थ्रोन बंडल के साथ रिंग इवेंट में नहीं आती तो मे भी हो सकता है कि जो अपना है ना गन स्किन वो नेक्स्ट वेपन रोल भी हो जाए। नेक्स्ट वेपन रोल ना सही गाइस अपना अपकमिंग वेपन रोल भी हो सकते हैं। बाकी गाइस काफी सारे के अंदर ये वाली M60 की गन स्किन वेपन रोल के अंदर दी गई है तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। वैसे गाइस M60 की गन स्किन अपने को बहुत ही कम फ्री क्लेम करने को मिली है, ठीक है, अगर आप लोग फ्री फायर के थोड़े से ओल्ड प्लेयर हो तो गाइस आपको यह बातें पता होगी। करना के मालिक चावली गाइस अपने गेम के अंदर, ठीक है भाई, फ्री रिवॉर्ड के मुकाबले डायमंड वाले इवेंट कते ज्यादा ही लाके देता है, ठीक है, और भाई गेम के अंदर एक फीचर है गोल्ड का जबकि उसका कोई भाई यूज करने को हमें मिलता ही नहीं है। गोल्ड का अपन लोग यूज करते हैं भाई रिवॉर्ड को लेने के लिए, लेकिन आखिर गोल्ड वाले
इवेंट भी तो आना चाहिए। तो अगर भाई आप लोग गोल्ड के इवेंट आने का वेट कर रहे हो तो आपके लिए एक गुड न्यूज है, और गुड न्यूज ये है कि अपने गेम के अंदर स्पेशल गोल्ड रोल आने वाला है। गोल्ड रोल इवेंट गाइस काफी टाइप के होते हैं, ठीक है, जैसे कि कभी कभी स्पेशल इमोट के भी गोल्ड रोल इवेंट आते हैं, इमोट के गोल्ड रोल आते हैं, गन स्किन के आते हैं, ठीक है, अपनी गुड़ की स्किन के आते हैं, अलग अलग अपने गेम के अंदर गोल्ड रोल इवेंट आते हैं इवेंट के अकॉर्डिंग। बात कुछ ऐसी है कि अपने पैराडॉक्स इवेंट स्पेशल अपने गेम के अंदर आने वाला है एक मस्त सा गोल्ड रोल इवेंट, जो कि गस का ये जा रहा है कि इमोट का रह सकता है, नहीं तो गस रहेगा बंडल का। टोटली गस अगर आपके पास गोल्ड वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसे आप लोग वेस्ट कर सकते हो उन रिवॉर्ड के अंदर जो अच्छे है, ठीक है, लेकिन आप लोग फालतू में उसे वेस्ट मत करना, क्योंकि अपडेट के बाद भी अपने होली की तरह, रमजान की तरह, ठीक है, अपने स्पेशल गोल्ड रोल भी आने वाला है। स्पेशल गोल्ड रोल इवेंट गाइस अपने पैराडॉक्स इवेंट स्पेशल रहने वाला है, और पैराडॉक्स इवेंट आने वाले 6 मई के बाद स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो अभी गाइस मैं आपको बताऊंगा नहीं कि कैसा गोल्ड रोल रहेगा, लेकिन जैसे पैराडॉक्स इवेंट स्टार्ट होगा मैं आपको बैनर वगैरह दिखा के डेट वगैरह कन्फर्म करके मैं आपको बता दूंगा। बाकी गाइस आप लोग मुझे अभी के लिए कमेंट के अंदर बताओ कि आपके पास रोल कितने गोल्ड वगैरह पड़े हुए हैं। मेरे पास तो गाइस आई थिंक 2 लाख से ज्यादा गोल्ड वगैरह हो गए। अब गाइस अपने गेम के अंदर काफी सारे ऐसे बंडल है जो कि पेंडिंग में पड़े हुए हैं और अपने गेम के अंदर वो नहीं आ रहे, और उन्हीं सारे बंडल के अंदर गाइस एक ऐसा बंडल है जो कि है अपना पर्पल शेड बंडल है। सबको पता है कि भाई जो पर्पल शेड बंडल है, ठीक है भाई, वो एकदम टट्टी बंडल है, लेकिन इसका टकला उसका जो हेयर स्टाइल है वो कते बवाल टाइप का है, और इसके चक्कर में अपने को पूरा बंडल निकालना पड़ता है। देखो गाइस अगर आपका क्वेश्चन ये है कि पर्पल शेड बंडल कब आएगा या फिर गाइस आप लोग इसका वेट कर रहे हो, तो गाइस मैं आपको इसका पूरा सच बताता हूँ, ठीक है, और सच ये है कि इसको लेकर अभी कोई भी कंफर्मेशन निकल के नहीं आई है। अपडेट बस यही है कि ये एक रिंग इवेंट रहेगा, लेकिन आखिर ये रिंग इवेंट कब आएगा इसका कोई भी गाइस अता पता बोल दो भाई लापता है। फिलहाल गाइस मैं आपको बस यही बताना चाहूंगा कि भाई आप लोग उम्मीद रख सकते हो कि बहुत जल्द इसका इवेंट वगैरह आ जाए, लेकिन अभी गाइस कब आएगा इसका कोई अपडेट वगैरह नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर कोई न्यू अपडेट निकल के आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात तय है, करना को भाई बिजनेस करना है, ठीक है भाई, तो ये बंडल अपने गेम के अंदर भाई कभी ना कभी हमारे गेम के अंदर रिटर्न आ जाएगा, लेकिन अपन लोग उम्मीद रख सकते कि OB45 अपडेट आने से पहले ये आ जाए। वैसे फ्री फायर के अंदर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने को दर्द देती है, और उन्हीं सारी चीजों के अंदर एक चीज है भाई, किल चोरी होना। लेकिन गाइस क्या आपको पता है किल चोर के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, आप खुद देखिए। टाइप्स ऑफ किल चोर, टाइप 1 नॉर्मल चोर, टाइप 2 प्रो हरामी चोर, टाइप 3 अल्ट्रा प्रो मैक्स हरामी चोर, गुड जॉब। तो देखो गाइस मैं तो अल्ट्रा प्रो हरामी किल चोर हूँ, ठीक है गाइस, आप लोग मेरे को कमेंट के अंदर बताओ कि आप लोग भाई किस टाइप के किल चोर हो। बाकी अगर मीम अच्छे है तो लाइक कर देना, वीडियो में आगे बढ़े। देखो गाइस मुझे पता है आप लोग कोई ना कोई ईव बंडल अपने गेम के अंदर रिटर्न आने का वेट कर रहे हो, ठीक है गाइस, अपने नेक्स्ट मई महीने के अंदर आ जाएगा पैराडॉक्स ईव बंडल, लेकिन काफी सारे लोग ओल्ड ईव बंडल आने का वेट कर रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता कि गाइस आप लोग कौन से ईव बंडल रिटर्न आने का वेट कर रहे हो, लेकिन सच बात तो ये है कि गाइस नेक्स्ट ईव बंडल रिटर्न इवेंट गाइस अपना स्कॉर्पियो ईव बंडल का होने वाला है। यस गाइस आप लोगों ने सही सुना, ठीक है, हो सकता है कि आप लोग कोबरा बंडल आने का वेट कर रहे हो, लेकिन भाई सच बात तो ये है कि अपना नेक्स्ट ईव बंडल रिटर्न गाइस अपना स्कॉर्पियो का होने वाला है, जो कि अपने जून महीने के अंदर आने वाला है। हमारे गाइस जून महीने के अंदर गाइस आपको इसका एक रिंग इवेंट देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर अपने स्कॉर्पियो के सारे बंडल वगैरह रहेंगे, ठीक है गाइस, इनके अंदर से आपको स्किन पिन वगैरह करके गाइस इसे निकालना पड़ेगा। टोटली गाइस अपने नया ईव बंडल का इवेंट अपने नेक्स्ट मई महीने के अंदर आएगा पैराडॉक्स ईव बंडल का, और गाइस अपना ओल्ड ईव बंडल का इवेंट गाइस आएगा अपने जून महीने के अंदर, जो कि अपडेट निकल के आई हुई थी, मैंने आपको बता दिया। बाकी गाइस टाइम के साथ मैं आपको इसके कंफर्म डेट भी बता दूंगा। अभी गाइस कुछ दिनों से अपने गेम के अंदर थोड़े से कम इवेंट आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो भी आ रहे कते खतरनाक टाइप के हो रहे हैं, और गाइस नेक्स्ट अपने मई महीने के अंदर भी काफी सारे खतरनाक डायमंड वाले इवेंट आ रहे हैं। इवेंट को कम्प्लीट करने के लिए गाइस डायमंड थोड़े से महंगे पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन भाई अगर आपको यहाँ पे चाहिए भाई लेजिस मोड टॉप अप इवेंट, जो कि काफी एक मस्त टॉप अप इवेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर अपने को काफी अच्छे खासा डायमंड क्लेम करने को मिल जाते हैं। अगर गाइस आप में से कोई भी लेजिस मोड टॉप अप इवेंट आने का वेट कर रहे हैं, तो भाई आपके लिए एक काफी गुड न्यूज है, क्योंकि अपने गेम के अंदर आने वाला है लेजिस मोड टॉप अप इवेंट। लेजिस मोड टॉप अप इवेंट गाइस अपने गेम के अंदर पैराडॉक्स इवेंट स्पेशल रहने वाला है, जो कि गाइस ये आने वाले 7 से लेके गाइस आपको 17 मई के बीच में अपने गेम के अंदर हमें दिखने को मिलने वाला है। आप लोग मुझे गाइस कमेंट के अंदर बताओ कि आप लोग लेजिस मोड टॉप अप इवेंट आने का वेट कर रहे हो, या फिर गाइस आप लोग वेट कर रहे हो डबल डायमंड टॉप अप इवेंट आने का। मैं तो गाइस लेजिस मोड टॉप अप इवेंट आने का वेट कर रहा हूं। हो सकता है गाइस आप में से
काफी सारे लोग गेम के अंदर बहुत ही कम टॉप वगैरह कर रहे होंगे, ठीक है गाइस। और आप में से काफी सारे लोग अपना डिस्काउंट इवेंट आने का वेट कर रहे होंगे। इस महीने अपने गेम के अंदर गाइस आ चुका है मिस्ट्री शॉप इवेंट, तो भाई आपके लिए यहाँ पे एक गुड न्यूज है। अपने नेक्स्ट महीने के अंदर आने वाला है लकी व्हीली इवेंट, जिसके अंदर गाइस आपको काफी सारे समर इवेंट के स्पेशल रिवॉर्ड देखने को मिले गए। एक वक्त हुआ करता था अपने मिस्ट्री शॉप इवेंट के अंदर हमें सबसे काफी खतरनाक रिवॉर्ड क्लेम करने को मिलता था डिस्काउंट में, लेकिन अभी का सीन ये है कि अभी मिस्ट्री शॉप बेकार आता है, लेकिन लकी व्हील इवेंट कते बवाल टाइप का आ रहा है। अगर गाइस बात करके लकी व्हील इवेंट कब आएगा, तो गाइस ये आएगा आने वाला 4 मई को, जिसके अंदर गाइस पॉसिबल रहेगा कि अपने समर इवेंट स्पेशल कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह, ठीक है, लाइक बंडल वगैरह, प्रोफाइल एनिमेशन तो नहीं आता, ठीक है, इमोट वगैरह आता है वो देखने को मिलेगा। बहुत जल्द गाइस नेक्स्ट लकी व्हील इवेंट का ऑफिशियली पोस्टर निकल के आ जाएगा, ठीक है भाई। फिर गाइस अपने को पता चल जाएगा कि रिवॉर्ड कौन सा रहेगा, लेकिन डेट गाइस रहेगी 4 मई। इन सारे इवेंट की तरह गाइस अपना नेक्स्ट इमोट पार्टी इवेंट भी कंफर्म हो गया है, लेकिन कब आएगा वो आपको जानना है, लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो। न्यू पैराडॉक्स यू मंडल अपने गेम के अंदर कब आएगा वो जानना है, राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो।